वहाँ फूल उड़ के आपस में टकराने लगा, कुछ तो उधर ही मार गए और बाकी डर के मारे भाग गए। यहाँ गंगा खंडक में 10,000 का लश्कर था और मुसलमानों का लश्कर था 3,000, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ही फतह दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब खंडक खोदी जा रही थी ना, ये गढ़ा सलमान फारसी ने मशवरा दिया था, सलमान फारसी ने सही बताया कि जब हम ईरान फारस में जंगे करते थे तो हम खंडक खोदते थे शहर में ताकि कोई आदमी शहर में एंटर ना हो पाए। इसी तरह मदीने के चार सवाल खंडक खोद दिया जाए ताकि वो मदीने में एंटर ना होना। तो ये खंडक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जरिया बनाया फतह का, यानी वो खंडक ना क्रॉस कर सके ना आ सके। इसी दौरान फिर अल्लाह ताला ने तेज तूफान के जरिए मुसलमानों को फतह हासिल करवाया। अभी हम करीब ही हैं, आपको वो खंडक भी दिखाते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हमारी गाड़ी चली थी तो आपको मैंने एक पहाड़ का नाम बताया था और बताया था वहाँ जाकर आपका टेस्ट लूँगा। क्या पहाड़ का नाम बताया था? चार दफ़ा मैंने बोला था, पता चल गया था ना आप कितने तरीके से बैठते हैं। साथ में से देखते हैं इंशाल्लाह।